आने वाले हैं। वर्क एनर्जी पावर के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे हम, और इसमें ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन है उसको आप पढ़ो और पहले समझो कि ये क्या कहता है, ठीक है। ये कहता है कि टू स्पीयर ए एंड बी, उनकी मास जो है मासेस अलग अलग हैं, एक का M1 है, एक M2 है, और उनके बीच कोलिजन हो जाता है यार, ठीक है। ए पहले से रेस्ट था, जिसका मास M1 था वो पहले से रेस्ट था। यहाँ पर M1 जो है, M1 पहले से रेस्ट था, इसका नाम ए है, इसकी वेलोसिटी 0 है। और जो M2 नाम का था वो भी वेलोसिटी से आ रहा था, और इसका नाम बी था, और इसके पास वेलोसिटी बी था। जब कोलिजन एक्स एक्सिस के लॉन्ग हुआ, पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे थे, तो कहता है आफ्टर कोलिजन बी बी ये वाला, ठीक है, मूव परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन हुआ। तो कोलिजन होने के बाद ये जो पार्टिकल है दूसरा, जो वो बी वाला ओ M2, वो ऊपर जा रहा है, तो ए वाला किधर जा रहा है? आप कॉमन सेंस से बता सकते हो क्या कि ए वाला जो था, ये जो ए है वो किधर जा रहा है? जब बी ऊपर जाने लगा कोलिजन के बाद, तो ए किधर जा रहा होगा? अब आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, इस टाइप के कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए नेट मोमेंटम किधर था पहले कोलिजन से? पहले इन दोनों का नेट मोमेंटम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में था, तो कोलिजन के बाद भी नेट मोमेंटम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रहेगा। तो ये वाला जो, ये जो छोटा वाला जो ए है, जो ए वो किधर जा रहा होगा? क्या वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा सकता क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात। एक्स एक्सिस के लॉन्ग कभी नहीं जा सकता। क्या एक्स एक्सिस से ऊपर थीटा डिग्री पे जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। ये भी पाथ गलत है, ये भी पाथ गलत है। क्यों? क्योंकि यार अगर मान लो ये इधर जा रहा, तो इसका मोमेंटम इधर गया और इसका मोमेंटम इधर गया, तो नेट मोमेंटम किधर गया? तो नेट मोमेंटम जो है, हाँ नेट मोमेंटम आ जाएगा। नेट मोमेंटम अगर मान लो, समझ रहे हो ना मेरी बात है यार, मान लो ये इधर जाने लगा, तो इन दोनों का वेक्टर नेट मोमेंटम इधर आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन है। नेट मोमेंटम कोलिजन से पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, तो कोलिजन के बाद भी नेट मोमेंटम एक्स एक्सिस में। अगर मान लो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही जा रहा है, तभी भी इसका मोमेंटम इधर आया और इसका मोमेंटम इधर आया, तो नेट मोमेंटम एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री पर आएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जा किधर रहा होगा वो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन से, कॉमन सेंस से निकाल लिए कि ये जो जा रहा होगा वो, अगर बी कोलिजन के बाद जो बी वाला है, जो M2 है, वो ऊपर जा रहा है, तो ये मिस्टर जो ए है वो इधर कहीं जा रहे होंगे, ठीक है, इधर ऐसे कहीं जा रहा होगा, ठीक है, यहाँ M1 जा रहा होगा ए, जिसकी वजह से जो मोमेंटम कंजर्वेशन है, नेट मोमेंटम किधर है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ये नेट मोमेंटम आ जाएगा इनका, नेट मोमेंटम। अब जाके मोमेंटम कंजर्वेशन सही होगा। आया समझ में? ये देखो, और ये क्या, ये ए वाला ये ऐसे नीचे जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या इधर आ सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या इधर आ सकता है? बिल्कुल, ये सब पाथ गलत है यार। तो इसका मतलब ये हुआ, एक्स एक्सिस से कुछ नीचे निगेटिव थीटा, एक्स एक्सिस से नीचे कुछ निगेटिव थीटा डिग्री पे जा रहा है। मैं आपको समझाने के लिए इतना बात किया हूं, ठीक है। और जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है मोमेंटम कंजर्वेशन, सेम एज दैट ऑफ द बी आफ्टर कोलिजन, द मास ऑफ ए मूविंग आफ्टर कोलिजन इन द डायरेक्शन सेम एज बी, अपोजिट टू बी, अपोजिट टू बी कभी सही नहीं, ठीक है, और सेम एज बी कभी सही नहीं हो सकता। ये कभी सही नहीं हो सकता यार, ठीक है, क्योंकि बी ऊपर जा रहा, तो ये एक्स एक्सिस में थोड़ी जाएगा ए वाला। तो सॉल्व कैसे करेंगे यार? तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये मास M2 था और ये यहां से आ रहा था, M1 आ रहा था, ठीक है। चलो यहां पर इन दोनों के बीच हो गया कोलिजन और ये M2 ऊपर जाने लगा, और चलो मान लेते हैं हमको पता नहीं अब किधर जा रहा, हमने तो लॉजिकली निकाल लिए थे ना, हमको पता नहीं है वो किधर गया, तो हम मान लेते हैं वो जो है M1 जो है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे ऊपर जा रहा है, हमने मान लिया, ठीक है, हमको पता ही नहीं हो किधर जा रहा, तो वो मैथमेटिक्स बता देगा ना, चलो मोमेंटम कंजर्वेशन बता देगा। अब जो थीटा डिग्री पे जा रहा, तो इसकी वेलोसिटी मान लो V1 है और इसकी वेलोसिटी V2 है, और ये V/2 से जा रहा होगा ना, ये V/2 वेलोसिटी दिया होगा, ठीक है। टू स्पीयर एंड बी मास में कोलाइड विद आफ्टर कोलिजन द बी हैज वेलोसिटी इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मास ऑफ ए। हाँ यहाँ पर लिटिल बिट थोड़ा सा क्वेश्चन में एक छूट गया है, जो ये है परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन विथ वेलोसिटी V/2, ठीक
ठीक है, बी बाई टू, ओरिजिनल से आधा, ठीक है, पहले कितने से आ रहा था, बी से आ रहा था, अब कोलिजन के बाद एक की तो वेलोसिटी पता होगी ना, ये बी बाई टू से जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक लिटिल बिट छूट गया था, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा सही कर लेना, ये जो वेलोसिटी बी है वो एक्चुअल का बी बाई टू है, ठीक है, और ये हमें अननोन है। चलो अब ये जो वेलोसिटी है यहाँ, इधर मोमेंटम कितना बना, इधर मोमेंटम बना m1 b1, तो इसका इसको कंपोनेंट कर देते हैं, ये आ जाएगा m1 b1 cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसका ऊपर चला जाएगा जो हो जाएगा m1 b1 sin थीटा, मोमेंटम था, तो अब मोमेंटम कंजर्व करा दें किधर, x एक्सिस और y एक्सिस में, तो मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इन x एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन x एक्सिस, है ना, है ना, चलो तो इनिशियल मोमेंटम x एक्सिस में, इसकी इनिशियल मोमेंटम लिखो m2 b, और इसकी गई जीरो x एक्सिस में कोलिजन के बाद, इसके पास मोमेंटम है m1 b1 cos थीटा, और उसका x एक्सिस में है ही नहीं जीरो, तो यहाँ से मुझे cos थीटा की वैल्यू आ गई, और cos थीटा की वैल्यू आ गई m2 b अपॉन m1 b1, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, x एक्सिस में हमने मोमेंटम कंजर्व करा दिया और ये मुझे मिल गया। चलो अब y एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व करा, y y एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम इन y एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन y एक्सिस, भाई मोमेंटम कंजर्वेशन सही होना होगा ना, तो y एक्सिस में ये कोई नहीं जा रहा था पहले, तो इनिशियली 0 0, और ये y एक्सिस में जाने लगा m2 v by 2, m2 v by 2, और ये आ जाएगा m1 v1 sin थीटा, आया बात समझ में ना यार, दोनों का मोमेंटम लिख दिए, कोलिजन के बाद ये ऊपर जा रहा था और इसका एक कंपोनेंट ऊपर आ गया, क्लियर है मेरी बात। चलो अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मुझे डायरेक्ट मिल जाएगी, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा भाई, साइन थीटा आ जाएगा m2b टू टाइम्स m1 v1, और माइनस साइन कौन लगाएगा, माइनस साइन मैं ही लगाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल गए, यहाँ से हमें थीटा पता चल जाएगा कि वो किधर जा रहा है, कितनी एंगल से जा रहा है। दूसरे वाले में से पहले से डिवाइड कर देता हूँ, इसमें से डिवाइड कर दो तो हमें मिलेगा टेन थीटा, ठीक है, डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट, टेन थीटा से डिवाइड कर दोगे, एक बार आपके लिए मैं लिख देता हूँ एम टू बी वाई टू एम वन बी वन टू एम वन बी वन, और कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा एम टू बी और ये आ जाएगा एम वन बी वन, तो m1 v1 ने m1 v1 को और m2 ने m2 को और v ने v को, ठीक है, तो ये माइनस वन बाई टू, तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वन बाई टू, तो ये बता रहा है कि आप जो थीटा लिए थे यहां से प्लस वो गलत है, ठीक है, माइनस थीटा आएगा, माइनस थीटा मतलब यहां से, ठीक है, हॉरिजेंटल से x एक्सिस से इधर थीटा डिग्री पे जा रहा होगा, जो कि हम पहले से एनालिसिस से निकाल लिए थे। क्या ये ऐसे कभी जा सकता है यार, असंभव यार, इम्पॉसिबल, ठीक है, चलो ये बात आपको